एसीसी सेवानिवृत्त कामगार संघ के बैनर तले खलारी अंचल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना में खलारी सीमेंट कारखाना के सेवानिवृत्त कामगार, उनके परिजन, काफी संख्या प्रखंड के सामाजिक कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधियों वहां मौजूद रहे। धरना पर बैठे वक्ताओं ने खलारी सीमेंट फैक्ट्री मालिक पर सीधे निशाना साधते हुए सरकार की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा रखने और उस पर बने भवनों से किराया वसूलने, सरकारी भूमि पर निर्मित कामगार क्वार्टरों का कब्जा बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि खलारी सीमेंट प्रबंधन के प्रभाव में आकर अंचल के ऑनलाइन पंजी से भी छेड़छाड़ की गई है। लीज भूमि के अलावा भी कई दूसरे सरकारी जमीन को पंजी में एसीसी के नाम पर जमाबंदी दर्शा दिया गया है। तय हुआ कि जल्द ही संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलकर खलारी के इस बड़े जमीन घोटाले का खुलासा करेगा। एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए परम आदरणीय हमारे कि पहले तो हम सुने थे कि कुछ लोगों पर जो क्वार्टर में रहते हैं उन पर केस चल रहा है, आप वे सारे लोग केस लड़ रहे हैं रुंटा से, लेकिन आज जो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं तो ये पता चल रहा है कि कुछ लोग को आउ नोटिस आ गया है। तो जो भी सीमेंट फैक्ट्री का वर्कर है वे लोग फैक्ट्री में अपना सेवा दिए और सेवा के दौरान सारा समय और ही गवा दिए और उसके बावजूद जो उसे रहने के लिए क्वार्टर दिया गया और आज जो समस्या उनके खड़ी हुई है कि ना उन लोगों को जो वेतन मिलता था उस पर कुछ पहल किया गया और ना उस पर जो और सेवानिवृत्त होने के बाद जो उसे जो पैसा मिलता था वो भी पैसा नहीं दिया गया। प्रखंड प्रांगण में एक दिवस